नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। स्वागत है आपका हमारे शो पहचान जरा हटके में। देश में हर मिनट 51 बच्चे जन्म लेते हैं, जिनमें से सब बड़े होकर कुछ अलग बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर और भी बहुत कुछ। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। उनमें से हर एक को हम हर बार अपने शो में बुलाते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं द ग्रोइंग पीपल फाउंडेशन के अध्यक्ष अदिति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं अपने फाउंडेशन के बारे में कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसका वर्क प्रोसीजर है। हमारी संस्था है द ग्रोइंग पीपल, जिसमें हम लोग 5 चीज़ों पर काम कर रहे हैं जी। जनसंख्या, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे भी काम कर रहे हैं। हमारी टेक्सएप संस्था है, मनु गौड़ अध्यक्ष हैं उनके, हम लोग उनके साथ वर्क कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर। हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, जैसे दोराला है और सवाला, काफ़ी सारे स्याला मतलब गाँव जो पड़ते हैं, हम लोग जाके उसमें लोगों को जागरूक करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसान है हम लोगों को, है ना, और आने वाली जनरेशन को कितना उससे नुकसान होगा। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो अगर हम बात करें इन्हीं मुद्दों की, जो सामाजिक कुछ आप कह सकते हैं कि समाज में दीमक बनकर हैं, ये जनसंख्या हो गया, स्वच्छता की अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो जहां तक है हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पहल की, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी कमियां भी देखी जाती हैं। तो जो इनिशिएटिव स्वच्छता के मद्देनजर सरकार ने लिया है, क्या हम लोग भी उसके पूरा निर्वहन अपने कर्तव्य का कर रहे हैं, क्या आपका मानना है इसको लेकर? स्वच्छता को क्योंकि ये मेन स्वच्छता ही है, आप देखिए कि 150 शहरों में भी हमारी मेरठ का कहीं नाम नहीं आया है स्वच्छता में। स्मार्ट सिटीज बिल्कुल। तो मोदी जी का कहना है कि हम लोग जो हैं वो स्वच्छता को लेके, पर्सनली अपनी स्वच्छता को लेके हम लोग जागरूक हैं, समाज की स्वच्छता को लेकर नहीं। जबकि लोगों को जागना चाहिए कि अगर वो चाह रहे हैं कि उनके घर में अगर सफाई रहे तो उन्हें चाहिए कि समाज में भी सफाई रहे। क्योंकि जो शहर में कूड़ा आ रहा है वो कहीं गवर्नमेंट नहीं डाल रही है, वो हम लोगों के घर से ही जा रहा है। तो हम लोगों को चाहिए, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि नीले बॉक्स में आप लोग जो हैं सूखा डालें और ग्रीन में आप लोग जो हैं गीला डालें, तो वो हम लोगों को करना चाहिए कि हम लोग अलग अलग करें। और अभी 15 अगस्त के बाद से हमारी संस्था बहुत बड़ा ही एक मुहिम शुरू करने जा रही है। इसमें हम लोग स्कूल्स को, क्योंकि हर घर में पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स में जाकर हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और वहाँ पर हम लोग बच्चों को पैम्पलेट्स देंगे। उसमें हम लोग उनको हम कहेंगे कि आप ये अपने पेरेंट्स को दीजिए जाके, और जो भी जुड़ना चाहते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे किचन या घर की जो वेस्टेज होती है उसके जरिए हम डीकम्पोस्ट खाद कैसे बनाएं। क्योंकि अगर हम लोग घर से ही निकली हुई वेस्टेज जो रोड पे गंदा वेस्ट हो रहा है पड़ा होके, उसको हम घर में ही अगर हम यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग खेत सबके पास नहीं है, पहले थे, अब बगीचे अब नहीं है, हम लोगों की छतें अपनी हैं। हम लोग अगर अपनी ही छतों पर अपने लिए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए हम लोग अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऊपर ही उगाएं और उसके लिए खाद हम घर में ही जो वेस्टेज है उसी की खाद बनाकर हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि उसको ही आप यूज़ करें जी, है ना। तो केमिकल्स वाली मार्केट से वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने की बजाय हम लोग घर में ही उसका यूज़ करें। तो इसकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग लोगों को घरों में जाकर देंगे, वो हमसे कांटेक्ट करें, हमें कहें कि हम लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग घर में ही जाकर देंगे कि किस तरह से उनको ऑर्गेनिक जो बनानी है और वेजिटेबल्स कैसे लगानी है, वो लोग हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो यहाँ पे अगर जल संरक्षण की बात की जाए, क्योंकि आज के टाइम पर देखा जा रहा है कि हर जगह ये मुहिम छिड़ गई है कि हमें जितना हो सके जल को बचाना है, क्योंकि आज हम लोग तो उसे यूज कर पा रहे हैं लेकिन आगे आने वाली जनरेशन शायद उसे ना यूज कर पाए। तो इसके लिए क्या कुछ जो आपका जो फाउंडेशन है, कितने स्टेप्स उसके लिए ले चुका है, कितने लेने हैं, कैसे आपकी मुहिम छिड़ी हुई? अभी मुझे मैंने 40 दिन में कम से कम 50 लीकेज बंद करवाई है, जो कुछ प्राइवेट हैं, कुछ नगर निगम से लीकेज हो रही हैं। तो इसमें तो ये है कि देखिए, नगर निगम जो है, हम लोग कह रहे हैं कि पानी बचाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए, लेकिन आप देखिए कितनी ही ज़्यादा मात्रा में ये नगर निगम के ही पाइप से पानी लीक हो रहा है। सही बात है ना। तो मेरे यही लोगों से अपील है कि प्लीज़ कहीं भी अगर रोड पे लीकेज अगर आप देखें
तो प्लीज़ उसको उसकी कंप्लेंट करें, जागरूक हों। और प्लस अब आप देखिए कि 230 हम लोगों को जो है नगर निगम से पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोगों को 260 लीटर पानी जो है इसमें मिल रहा है। अगर मैं आपको आंकड़े इसके कुछ बताऊं, अगर जी मतलब डिटेल्स जरूरत में, से ज्यादा हाँ ही जी, मिल रहा है। मेरठ में 230 ml पानी की हम लोगों को आवश्यकता है, लेकिन जी हमको 260 ml जी मिलियन लीटर डेली हम लोगों को पानी मिल रहा है, बिल्कुल जिसमें एक बंदे को, एक पर्सन को 125 जो लीटर की है ज़रूरत होती है, 155 लीटर की, जी लेकिन उसको मिल रहा है 200 लीटर जी एक्स्ट्रा मिल रहा है। जी लेकिन ज़्यादा हम लोग के पास पानी इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वो लीक हो रहा है। बिल्कुल उसकी वेस्टेज हो रही बिल्कुल, है। अब देखिए आपकी दोहन जो है, हम जी लोग पानी ज़मीन में कम है, जी लेकिन हम लोग किस बुरी तरह से पानी को ज़मीन में से निकाल कर यूज़ कर रहे तो हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि संसाधनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों के उपयोग जो करने में कहीं ना वेस्ट, कहीं हाँ जी, कमी आ रही है। जैसे कि 157 बड़ी ट्यूबवेल्स हैं जो शहर में पानी सप्लाई कर रही जी है ना, और 90,000 हमारी जो घर में मोटर्स लगी हैं, जी हम उससे पानी निकाल रहे हैं, जी यूज़ कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर समरसेबल लगे हुए हैं, जी है ना, और 40,000 खेतों में ट्यूबवेल्स लगे हैं, और नलके जो लगे हैं शहरों में वो अलग हैं कि हम लोग जो हैं उससे पानी निकाल निकाल कर उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लगाइए 20 अरब लीटर पानी बारिश का हर साल हमारे शहर में होता है, लेकिन वो जी पानी कहाँ यूज़ हो रहा है, कहीं भी सिर्फ नहीं। नाले और जी नालियों में ही पानी वो जा रहा है। जी ठीक है, तो ये वेस्टेज है पानी की। ठीक है, अगर, जी हाँ बिल्कुल जी, सही। और अब आप देखिए जो हम लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक 25% जो पानी है वो लाइन जी लॉस में जाता है, जी यानी कि 69 लाख लीटर पानी जो है वो जी पानी जो सप्लाई आ रहा है लाइन में से, उसमें से जी लीक हो रहा जी है ना। और 1 लाख तो लीटर लगे, वो आरओ हमारे घर में 1 लाख आरओ लगे हैं, जिसमें से जी 30 लाख पानी जो है वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इतना पानी जो वेस्ट हो रहा है वो सिर्फ नाले नालियों में जा रहा है। बिल्कुल, इसमें आम जनता की कितनी गलती मानते हैं आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप इस चीज के लिए काफी कर्मठ बिल्कुल तौर पर काम कर रहे हैं कि हाँ सड़क पर आपको लीकेज दिखे, आपने इसके लिए कदम बिल्कुल, उठाया, आपने कंप्लेंट की, लेकिन आम जनता इसके लिए जागरूक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर होगी तो शायद ऐसी चीजों में कमी आएगी। तो आपका क्या मानना है कि लोगों को कितना जागरूक होने की जरूरत है? देखिए सबसे पहले जो हमें पानी मिल रहा है जी उसका हम सेव कर सकते हैं। जी जैसे हमारे घर में सभी के आरओ लगा है, जी तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास हमने पानी लिया जी और बाकी आप देखिए 5 ग्लास पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। जी सबसे पहले जो आरओ का पानी है उसको आप स्टोर कीजिए, बकेट में स्टोर कीजिए, उससे बर्तन धोइए और कपड़े धोइए, पोछे में यूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स धोने में यूज़ कीजिए, क्योंकि जी वो यूज़ करने लायक पानी है। जी ठीक है, उससे, उसके अलावा कहीं भी अगर लीकेज है तो आप प्लीज़ उसको रोकिए। ठीक जी है, अब आप देखिए 550 जी हमारे यहाँ पर गैराज हैं जी शहर में, 550 गैराज में डेली के 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ धुलती हैं। जी ठीक है, जबकि और घर में जो धुल रही हैं वो अलग हैं, जी बिल्कुल है ना। तो और दूसरा आप देखिए जो किसान हैं, जी कम से कम आप लगाइए कि इसमें जो है खुला समरसेबल चल रहे हैं, उसकी जगह अगर हम लोग ड्रिप वाली सिस्टम यूज़ करें जी कि पानी जो है जहाँ पहुँचना चाहिए वहीं पहुँचे, बाकी वेस्ट ना हो, जी है ना। तो ये वेस्टेज है, अगर हम इसको रोक लेते हैं जी तो काफ़ी हद तक और बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग इसको पानी को सेव कर सकते हैं। जी अभी 18 तारीख को, नेक्स्ट जो अभी संडे आ रहा जी है, 18 अगस्त को हमारा, हमारी संस्था का पहला जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेगा, जी और हमारा टारगेट है कि दिसंबर से लेकर, दिसंबर या जनवरी तक जी हम लोग 1,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस मेरठ में लगाएं। ये बहुत बड़ी मुहिम आपकी संस्था ने बिल्कुल छेड़ी है, हम आशा करते हैं कि ये पूरी हो। तो आम जनता की बात यहाँ पर ये आई कि उन्हें जागरूक होने की बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरत है। सारे मुद्दों पे बात करना तो बहुत ज्यादा कम, क्योंकि समय कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर शिक्षा और जनसंख्या को आपस में जोड़े तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि शिक्षा की जहां पर बात आती है कि सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए कि देश का जन जन बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा हो, उसके बावजूद कम से कम भी नहीं तो 35 से 40% से भी ज्यादा लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अशिक्षित है। क्या आप कारण मानते हैं इसके पीछे? अशिक्षित होने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारियों की जो जड़ है वो है जनसंख्या। जी बिल्कुल अगर जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है तो ये सभी समस्याएं रहेंगी ही नहीं, जी क्योंकि अगर आप लगाइए कि चाहे हिंदू हो जी जी या मुस्लिम्स हो, इन दोनों को ही जिम्मेदारी समझनी है कि ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ती है तो, जनसंख्या तो बढ़ रही है हमारे जी देश में, 140 करोड़ के आसपास हम लोग जी हो चुके हैं, जी और अगर हर साल हम लोगों की 2 करोड़ की जनसंख्या बढ़ रही है, बिल्कुल अगर हम लोग इसी स्पीड से बढ़ते रहेंगे जी तो 25 सालों में, और हम लोगों की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन संसाधन जो है हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल है ना, शिक्षा भी नहीं मिल रही है। अगर एक घर में पाँच पाँच छः
बेचे बच्चे हैं और उन सभी को पढ़ाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना हम लोगों के पास साधन ही नहीं है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण होगी तो सभी बच्चों को प्रॉपर शिक्षा और भोजन सभी को बराबर मिलेगा। तो शिक्षा का भी, अशिक्षित होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो जनसंख्या ही है। जनसंख्या किससे कहीं और अभी कई टीचर से मेरी बात होती है जो गवर्नमेंट गांव में है, स्याला में मेरी कुछ है, हमारे सदस्य हैं द ग्रोइंग पीपल के, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को घर से पकड़ पकड़ के बच्चों को लाना पड़ता है पढ़ाने के, कि आओ और पढ़ो। बल्कि यहाँ आपको मिड डे मील भी मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को घर से खींच के लाना पड़ता है। तो लोग जागरूक नहीं है कि शिक्षा वाकई बहुत जरूरी है और अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मैं शो खत्म करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आप मैसेज आम जनता को दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने मन की बात या फिर समाज के उद्धार के लिए, क्योंकि द ग्रोइंग पीपल जो संस्था है वो समाज के उद्धार के लिए काम कर रही है, जो जनसंख्या जैसी का चीजें हैं, शिक्षा का अभाव लोगों के बीच में है, जल संरक्षण पर आप लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें। क्या एक मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं? पहले तो मैं प्रेरणा जी को और रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं जनता के रूबरू हो सकूँ और अपने विचार उनसे शेयर कर सकूँ। मेरी सभी जनता से यही अपील है, क्योंकि मेरी अकेली के ही काम करने से या लीकेज बंद करवाने से या स्वच्छता को देखने से ही क्रांति नहीं आने वाली। अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए या क्रांति हो, तो हम लोगों को अपने घर से, जिस तरह से हम लोग अपने घर के लिए जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हम लोगों को अपने समाज के लिए भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और कहीं भी लीकेज होती है तो प्लीज़ आप उसकी कंप्लेंट करें, कहीं भी पानी वेस्टेज होता है अपने घर में सेव करें और बाहर आकर लोगों से कहें कि वो पानी को सेव करें। अगर कहीं भी वेस्टेज होती पानी को देखते हैं तो प्लीज़ रुक कर उस वेस्टेज को ना बहने दें, पानी को ना खराब होने दें और सफाई का ध्यान रखें, जिस तरह से घर में रखते हैं बाहर भी रखें। और अगर आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो प्लीज़ हमारी संस्था के साथ कांटेक्ट करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, कि जिस मुहिम को हम लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम उसको मिलकर करें और बदलाव लेकर आने के लिए प्रयास करें। तो अगर आप भी द ग्रोइंग पीपल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदिति फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।